मिठाइयों के बिना हमारे देश में कोई भी त्योहार अधूरा है। मिठाइयाँ हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। कोई भी खास मौका हो, सबसे पहले लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और ये परंपरा आज से ही नहीं कई सालों से चली आ रही। तो आज के हमारे एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे देहरादून के एक बेहद प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में, जो अभी से नहीं बल्कि लगभग 70 साल से ज्यादा समय से वहाँ के लोगों को अपनी मिठास से सराबोर किए हुए। तो इस बार बींग घुमक्कड़ का काफिला बढ़ चला दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से घिरे देहरादून शहर में। देहरादून की कई बेहतरीन जगहों से हमने आपको पहले भी रूबरू कराया है। वहाँ की धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताया, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी इन सबसे अलग एक मिठाई की दुकान के बारे में, जिसने देहरादून के लोगों को अपने स्वाद से मोहित कर रखा है। तो हम निकल पड़े देहरादून की तरफ। इस जगह के बारे में बहुत सुना था तो सोचा कि आज इसके दर्शन भी कर लेते हैं और यहाँ की फेमस केसर रसमलाई का स्वाद भी चखते हैं। मैं बात कर रही हूँ देहरादून की सबसे पसंदीदा मिठाई की दुकान कुमार स्वीट शॉप। इस दुकान के चर्चे सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। कुमार स्वीट शॉप पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई, लेकिन केसर रसमलाई खाने का लालच अब भी बरकरार था। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स पहुंचते ही दूर से ही कुमार स्वीट शॉप का बोर्ड दिख जाता है। अगर आप देहरादून में हैं तो यहाँ की एक जगह है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और वो जगह ठीक मेरे पीछे है, कुमार स्वीट शॉप। आप देहरादून आए तो फिर क्लॉक टावर के पास ये एमडीडीए कॉम्प्लेक्स है राजपुर रोड पे, जहाँ पे ये कुमार स्वीट शॉप है और यहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है। रसमलाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे अंदर, लेकिन रसमलाई यहाँ की बहुत फेमस है। तो चलिए अंदर चलते हैं, बाकी की बातें हम यहाँ से जानते हैं। कुमार स्वीट शॉप कितना पुराना है, यहाँ पे और क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये सब कुछ अंदर पता करेंगे। एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में बने कुमार स्वीट शॉप में हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। देहरादून के कोने कोने तक इन मिठाइयों की ख्याति आज तक बरकरार है। इतने करीब पहुंचने के बाद हमारे कदम तेजी से बढ़ चले इस दुकान की ओर। सीढ़ियों से ऊपर आते ही कुमार स्वीट शॉप का एक बोर्ड हमें सबसे पहले दिख गया, जिस पर कई सारी मिठाइयों के नाम लिखे थे जो यहाँ पर मिलती। मैं और मेरी टीम अब कुमार स्वीट शॉप के अंदर थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें निराशा हाथ लगी। केसर रसमलाई इस वक्त तक खत्म हो चुकी थी। हमें बताया गया कि इस मिठाई की प्रसिद्धि ज्यादा होने की वजह से इसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा है, और अगर आप थोड़ा सा भी देर से यहाँ पहुँचे तो आपको केसर रसमलाई खाना नसीब नहीं होगा। लेकिन हमने भी ठाना कि कुमार स्वीट शॉप तक आए हैं तो केसर रसमलाई तो खाकर ही लौटेंगे, इसीलिए हमने अगली सुबह आने का फैसला किया। हम यहाँ से निकलने लगे तो हमारी मुलाकात हुई कुमार स्वीट शॉप के ओनर श्री नितिन कुमार वर्मा जी से। उन्होंने हमें बताया कि केसर रसमलाई के अलावा यहाँ की फालूदा कुल्फी भी बेहद स्वादिष्ट है, जिसे हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। अभी मैं कुमार स्वीट शॉप के अंदर आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे यहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की केसर रसमलाई ट्राई करने के लिए। पर अभी मैं यहाँ पहुंची तो हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त केसर रसमलाई खत्म हो चुकी है। बहुत फेमस है इसलिए जल्दी खत्म भी हो जाती है, तो वो हम आपको अभी नहीं दिखा सकते। पर इनकी एक और चीज़ है जो बहुत फेमस है, वो है कुल्फी फालूदा। तो मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग अब ट्राई करेंगे कुमार स्वीट्स की कुल्फी फालूदा। थैंक यू भैया। तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है, फिर हम रिव्यू भी लेंगे। बहुत बढ़िया
नहीं आना था एक्चुअली, मैं लखनऊ जो लोग रहते हैं उन्हें प्रकाश की कुल्फी और फालूदा उसके बारे में पता होगा, तो यकीन मानिए ये इसका स्वाद जो है उससे कम नहीं है, बिल्कुल भी 19 नहीं है और बहुत ही अच्छा स्वाद है इस कुल्फी फालूदे का। तो अगर आप आते हैं देहरादून तो आप एक बार यहाँ आइए कुमार स्वीट्स की, इनकी कई फ्रेंचाइजी लेकिन आप ओरिजिनल वाले पे आइएगा और एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा कुल्फी फालूदा और जो इनकी फेमस है केसर रसमलाई, वो तो हम आपको बाद में दिखाएँ, लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो कुल्फी फालूदा इनका बहुत ही मतलब उमदा स्वाद है, इसका जायका इसका जो है बहुत ही बढ़िया है, एक बार आप लोग ट्राई करिए। और सर से तो रुका भी नहीं जा रहा सर से रुका नहीं जा रहा सर आपको कैसा लगा? मैंने इससे अच्छा कुल्फी कभी नहीं खाया। अब बारी थी केसर रसमलाई की। अगर आपको रसमलाई खानी है तो सुबह 11:30 से 12 के बीच यहाँ रसमलाई बनकर आ जाती है। हम भी इस समय तक यहाँ पहुँच गए। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ कुमार स्वीट शॉप जो कि MDDA कॉम्प्लेक्स में है। कल शाम को भी मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई थी यहाँ की केसर रसमलाई ट्राई करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल खत्म हो चुकी थी रसमलाई। तो आज सुबह हम फिर से आ गए यहाँ पे, देखते हैं आज हमें वो रसमलाई मिलेगी या नहीं, हम वो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका स्वाद कैसा है एंड इज इट वर्थ द हाई। तो चलिए मेरे साथ। सुबह के समय भी यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ लोग मिठाइयाँ लेने में व्यस्त थे तो कुछ तसल्ली से बैठकर अपने परिवार या दोस्तों के साथ नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। हमने भी बिना इंतजार किए यहाँ की फेमस रसमलाई चख ही ली। यकीन मानिए ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। गाढ़े कढ़े हुए दूध में बने रसमलाई का स्वाद कुछ पल के लिए सब भुला देता है। अब हमें समझ आया कि यहाँ के लोग कुमार स्वीट शॉप की केसर रसमलाई के दीवाने क्यों हैं। रसमलाई के साथ साथ यहाँ और भी कई बेहतरीन मिठाइयाँ मिलती हैं, जैसे राजभोग, चमचम, काजू कतली, बाल मिठाई, चॉकलेट बर्फी और भी बहुत कुछ। और कुमार स्वीट शॉप की मिठाइयाँ सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाए हुए हैं। इस दुकान के बारे में और जानने के लिए हमने बात की 40 साल से ज्यादा समय से इस दुकान को संभाल रहे कृष्णा उनियाल जी से, जो इतने लंबे समय से यहाँ के मैनेजर रहे। उन्होंने हमें कुमार स्वीट शॉप से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताई। ये मैडम ये मतलब ये नितिन जिनके दादा ने सन 1950 से शुरू की, और मतलब पहले हमारे घंटाघर पे शॉप थी, उसके बाद हमारे जो इनके चार बेटे थे तो दो तो खैर पर, लेकिन रमेश जी और किशन कुमार जो नितिन के फादर हैं उन्होंने मेहनत करके मतलब पहले छोटी दुकान थी फिर बड़ी हुई, अब यहाँ लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो 11 साल हो गए। मतलब कैसे स्टार्ट करने का स्टार्ट मैडम, पहले रसमलाई हम लोग थोड़ा मतलब 50-60 पीस बनाते थे, तो उस वक्त तो फ्रिज होते नहीं थे, तो हम लोग फिर इसको बर्फ में जमाते थे और जैसे को 11 बजे तैयार होती थी 12-1 बजे लोगों को खाने के लिए देते थे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, फिर हमने फ्रिज रखने शुरू करे, फिर 200-400 ऐसे पीस बनते गए रोज और ऐसी कुल्फी बनती है, क्योंकि आप थोड़ा फ्रीजर में जमाने का है ना, तो पहले हाथ से घड़े में कुल्फी जमाई जाते थे, अब तो फ्रीजर में डाल दो 1 घंटे बाद तैयार हो जाती है। हाँ, जैसे चाट है, पर ये चाट पहले नहीं थी, पर पहले हमारी रसमलाई और कुल्फी होती थी। अभी रसमलाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें फेमस हैं आपके यहाँ पे? हमारी जैसे बाल मिठाई है और हमारी ये चॉकलेट बर्फी है छोटी वाली, और ये हमारे हरे लड्डू हैं, ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं। हाँ। और ये भी सब मतलब ईश्वर की कृपा है कि स्वाद बहुत बढ़िया। जी 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 जी, जी। हाँ हमारे मतलब ऐसे पहले फॉरेनर अब तो घर कम आते हैं, लेकिन पहले फॉरेनर बहुत आते थे, तो उन लोगों ने एक उन्होंने किताब छापी थी मैप ऑफ द इंडिया, उसमें हमारी दुकान का और रेस्टोरेंट का कुमार वेटिन का जिक्र किया कि आप अगर वहाँ जाते हैं देहरादून तो आप वहाँ रसमलाई और गाजर हलवा आप ज़रूर खाइए, और हमारे उनको वेजिटेरियन फूड बहुत पसंद आया तो उसका भी नाम है, तो उससे हमारे काफ़ी फॉरेनर जो आते थे तो वो मतलब पूछते थे कि ये वो चीज़ कहाँ है।
अब जैसे टाइम के साथ हर चीज बढ़ती गई, अब मतलब वैरायटियां बढ़ गई, काजू की बर्फी बन गई, बहुत सारी वैरायटियां। लेकिन ये ईश्वर की कृपा से स्वाद है, जो उतने कस्टमर आते हैं और जो मतलब टूरिस्ट देहरादून आता एक बार हमारी दुकान पे जरूर आता, चाहे एक रसमलाई खाए। ना ना मतलब इस मतलब हमारे वही मतलब पुराना स्टाफ है बनाने वाला, जो हमारे मतलब 35-40 साल से काम कर रहे हैं, और कुछ मतलब कुछ लोग रिटायर भी हो गए, तो दूसरी जो हमारे जो जनरेशन है कारीगरों के, तो उसी को उसी जो उनको रेसो बता रखा कि मीठा कम डालना है, इस आँच में निकालना है, तो उनको खुद पता, कर कारीगर को तो अपने आप पता होता, लेकिन हम कोशिशें करते हैं कि रोज और रोज ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगले दिन अगर बासी खिलाएंगे तो स्वाद में मतलब वो चीज़ नहीं रहती। देहरादून के अलावा मैडम जैसे दिल्ली के बहुत कस्टमर आते हैं, मसूरी के बहुत आते हैं, हमारे जैसे शादी ब्याह की मिठाइयाँ हैं ये भी लोग ले जाते हैं, राजस्थान से आते हैं, और फॉरनर बहुत ले जाते, मतलब फॉरनर तो खैर 250 ग्राम ले, लेकिन जो यहाँ के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वो बड़े कोई कुछ ले जाता, कोई कुछ ले, मतलब वो जरूर मिठाई लेके जाता है। तो इसकी शेल्फ लाइफ में तो जो मावे की मिठाई वो तो 3-4 दिन, जैसे रसमलाई वगैरह तो सिर्फ एक दिन, और जो काजू वाली आइटम है उसके कम से कम आपको 7-8 रोज आराम से रहती है विदाउट परहेज। मैडम आजकल सीजन है थोड़ा, आजकल ज़्यादा लगता है सामान, और दिन सर्दियों बरसात में तो फिर डाउन हो जाता है। हाँ लोग आप देख ही रहे हैं, पर हालांकि देखो देहरादून में दुकानें बहुत खुल गई, 5 स्टार आनंदम ये सब कई, लेकिन हमारी ईश्वर की कृपा से हमारी पहचान हुई है, सब सबसे पहले लोग हमारी दुकान, सब हमारे यहाँ सामान खत्म होता तब दूसरी दुकान पर जाते। ब्रांचेज मैडम हमारी फ्रेंचाइजी है, एक तो झाकंड में है, एक प्रेम नगर में है, और एक सासरे नगर में, मतलब ब्रांच मेन ब्रांच हमारी यही। यहाँ से घंटा घर, कटक से MDDA कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब ये पोस्ट ऑफिस के सामने बोल लीजिए, या ये सामने धारा चौकी के सामने, खैर पहले लोगों पता नहीं था, लेकिन अब सब ऑटो वाले हो गए तो सब जानते हैं। हाँ उसके अलावा छोले भटूरे मिलते हैं, आलू पूड़ी मिलती है, मैंगो शेक है, चाट है, मतलब कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो करना पड़ता है। खान पान की विविधताओं वाले इस देश में मिठाइयों को काफी तरजीह दी जाती है। यहाँ पर मिठाइयों के शौकीन लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, और अलग अलग राज्यों में आपको इनका अलग अलग स्वाद भी मिलेगा। ठीक उसी तरह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित कुमार स्वीट शॉप ने इतने सालों में अपने मिठाइयों के लाजवाब स्वाद को बरकरार रखते हुए लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है, और यही स्वाद हमें दिल्ली से इतनी दूर खींच लाया। तो हमने कुमार स्वीट शॉप की रसमलाई ट्राई की, यहाँ की कुल्फी फलूदा भी ट्राई किया यहाँ का, और साथ में हमने यहाँ के छोले भटूरे, आलू पूरी, बहुत कुछ खाया, हम साथ में पैक भी करा के लेके जा रहे हैं, हमें इतना पसंद आया यहाँ का टेस्ट। तो देहरादून जब भी आप आएँ, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कुमार स्वीट शॉप ज़रूर आएँ। MDDA कॉम्प्लेक्स इनका मेन ब्रांच है, इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं जो हम आपको बता चुके हैं इस एपिसोड में। और आपको ये खास एपिसोड कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए विंग होम अकाडमी।